हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल KBC स्पार्क इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आने वाले एग्जाम्स में इस टॉपिक से खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे और क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड अन्य जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से आगे वीडियो तो रेगुलर आएंगे ही, साथ में ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 7 करोड़ तक के क्वेश्चन बनते हैं उन पे PDF भी बनाना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपको लगता है कि इस टॉपिक पे PDF बनाई जाए तो आप लिख के दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। PDF का मतलब होगा कि उस पे बनने वाले जो भी सारे क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन छोटे ना हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से KBC में जाए मेरे चैनल से और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कोई भी छोटे ना हो, चाहे वो 7 करोड़ तक का हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल किस मैदान पर खेला गया? उम्मीद करता हूँ ये आप सभी जानते होंगे। तो फाइनल खेला गया था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर। इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। जो क्रिकेट की जन्मदाता है इंग्लैंड, उसने पहली बार न्यूजीलैंड को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि फाइनल का फैसला सुपर ओवर से हुआ है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए थे और इंग्लैंड ने बाद में बैटिंग करते हुए भी 241 रन बनाए थे। उसके बाद सुपर ओवर हुआ था। सुपर ओवर में पहले इंग्लैंड ने 15 रन बनाए थे और फिर न्यूजीलैंड ने भी 15 रन बनाए थे। इसके बाद डिसीजन इस आधार पर हुआ था कि मैच में और सुपर ओवर में जिसने सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाई है उसको विजेता घोषित किया गया था। तो इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाई थी पूरे मैच में और सुपर ओवर में, और वो विजेता बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंग्लैंड ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम के साथ कभी फाइनल मैच नहीं खेला? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान और डी श्रीलंका। फिलहाल में तो न्यूजीलैंड के साथ खेला है 2019 में। इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुए हैं तो किस टीम के साथ फाइनल मैच नहीं खेला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगर हम जनरल GK की एग्ज़ाम्स की बात करें तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, और यदि KVC की बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इंग्लैंड ने 1979 में वेस्ट इंडीज़ के साथ फाइनल खेला था, 1987 में ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेला था और 1992 में पाकिस्तान के साथ फाइनल खेला था। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इंग्लैंड ने अपना फाइनल मैच 2019 से पहले लॉर्ड्स के मैदान पर किस टीम के साथ खेला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। 1979 में जो फाइनल खेला गया था वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर ही हुआ था। श्रीलंका के साथ अभी तक कोई फाइनल मैच नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 648 रन बनाए और डेविड वार्नर दूसरे नंबर पर थे जिन्होंने 647 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए हैं। तो किसी एक टूर्नामेंट में, यानी वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड कप 2019 के एक मैच में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं तो वो बनाए डेविड वार्नर ने। 166 रन की पारी खेली थी बांग्लादेश के विरुद्ध। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा 50 यानी अर्धशतक किसने लगाए हैं, तो 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 अर्धशतक लगाए हैं, जिनमें एक नाम साकिब अल हसन है, विराट कोहली है और बेन स्टोक्स। ये 3 नाम आते हैं जिन्होंने 5 50 लगाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिकेट विश्व कप 2019 में लॉन्गेस्ट सिक्स किसने लगाया, यानी सबसे लंबा छक्का किस खिलाड़ी ने लगाया विश्व कप 2019 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेसन होल्डर। जेसन होल्डर ने 105 मीटर का छक्का लगाया है, जो 2019 विश्व कप का सबसे लंबा छक्का है।
अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं विश्व कप 2019 में, तो सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं इयान मॉर्गन ने, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 22 छक्के लगाए हैं टोटल, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। अगर हम बात करें कि क्रिकेट विश्व कप 2019 में एक मैच में सबसे अधिक छक्के किसने लगाए हैं, तो इसका आंसर भी इयान मॉर्गन हो जाएगा। इन्होंने 17 छक्के लगाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2019 में एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहीन अफरीदी। इन्होंने एक मैच में 6 विकेट लिए थे बांग्लादेश के विरुद्ध, और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व कप 2019 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशेल स्टार्क, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुल 27 विकेट लिए थे। वनडे क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में फाइनल मैच में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अब तक जितने भी विश्व कप हुए हैं उनमें फाइनल मैच जो हुए हैं उनमें सर्वाधिक रन फाइनल मैच में किसने बनाए हैं एक पारी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडम गिलक्रिस्ट। 2007 में श्रीलंका के विरुद्ध फाइनल मैच में इन्होंने 149 रन बनाए थे, जो अब तक एक रिकॉर्ड बना हुआ है। उस मैच में इन्होंने 72 बॉल पे शतक बनाया था, तो वर्ल्ड कप के इतिहास में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी एडम गिलक्रिस्ट के नाम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केन विलियमसन। ये न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान हैं और इन्हें 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। यदि हम बात करें कि भारत का पहला खिलाड़ी जिसे टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर मिला हुआ है क्रिकेट विश्व कप में, तो वो सचिन तेंदुलकर हैं। और इसके अलावा भारत के दूसरे जो खिलाड़ी जिन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था, वो है युवराज सिंह, जिन्हें 2011 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिकेट विश्व कप 2019 में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शमी। ये भारत के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी, जो 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक है। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है, वो हैं ट्रेंट बोल्ट, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक ली थी, तो ये दो ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2019 में हैट्रिक ली हुई है। वनडे क्रिकेट में जो भी हैट्रिक ली गई है उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो भी टॉप क्वेश्चन हैं वो उसमें मिलेंगे आपको, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को न्यूजीलैंडर क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के लिए नामित किया गया है? ए बेन स्टोक, बी इयान मॉर्गन, सी जेसन रॉय और डी जो रूट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेन स्टोक। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेन स्टोक मूल रूप से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। जब ये छोटी उम्र में थे तो इनके पिता इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन फ़िलहाल इनके पिता न्यूजीलैंड में ही रहते हैं। तो न्यूजीलैंड में एक डिबेट का विषय बन गया कि बेन स्टोक जब न्यूजीलैंड के ही मूल रूप से खिलाड़ी हैं और इन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इनको न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया जाए और अवार्ड दिया जाए, तो ये क्वेश्चन भी जीके का बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।